तो हमने देखा कि किस तरह से इमेज जो है वो मैग्नीफाई होती है एक लेंस में। अब मैग्नीफिकेशन को हम थोड़ा डिटेल में बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के बारे में हम यहाँ बोर्ड पर देख लेते हैं। देखिए, मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया कि लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ या 2F के बीच में रखते हो तो अपोजिट साइड में एक इमेज बनती है और वो मैग्नीफाइड होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे ऑप्टिक्स हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ एक शूडो इमेज बनती है, मैग्नीफाइड होती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मैग्नीफिकेशन का अपन फॉर्मूला देखें तो इमेज साइज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट साइज, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में मैग्नीफिकेशन के लिए। तो सिंपल लेंस में होगा तो एक लेंस से मैग्नीफिकेशन होगा, तो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज आप क्लियरली लिख दोगे। अगर कंपाउंड लेंस है तो भी वहाँ पर भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। बट अगर आपको दोनों लेंसेज, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक आईपीस एक ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अगर दोनों लेंसेज का इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आप टोटल मैग्नीफिकेशन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप अप्लाई करके मैग्नीफिकेशन की ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम बायोलॉजी में अक्सर देखते हैं वो आप इनसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज आपको कोई स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये स्पेसिमेन, ठीक है। उस स्पेसिमेन का एक्चुअल जो साइज होता है वो 5 माइक्रोन्स होता है, और माइक्रोस्कोप में जब आप मैग्नीफाई करके देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा? तो मैग्नीफिकेशन का हमने देखा था इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज यहाँ कितनी है? इमेज साइज है, सॉरी, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोमीटर्स। तो ये सिंपल डिवीजन करके आप मैग्नीफिकेशन पता कर सकते हैं। बट यहाँ पर केवल एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर माइक्रोमीटर में, तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम ऊपर वाले यूनिट को चेंज कर लेते हैं, इसको माइक्रोन में करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 टाइम्स, तो जो रेशियो आता है वो आता है 2,000। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2,000 टाइम्स। तो ये जो रेशियो है ये आपको वैल्यू देता है 2,000 की। तो जो मैग्निफिकेशन हो गया वो हो गया 2,000 टाइम्स। तो इस तरीके से आप इमेज साइज को ऑब्जेक्ट साइज से डिवाइड करके आप मैग्नीफिकेशन पता कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है ये यूनिट्स, आपको ये यूनिट्स मैच करानी होगी, ठीक है। वेल, मैग्नीफिकेशन समझने के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपने देखा वीडियो में, अब हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इमेज साइज इज 1.8 सेंटीमीटर और एक्चुअल साइज जो है वो दी हुई है 20 माइक्रोन्स, 20 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। और दिया हुआ है आईपीस मैग्नीफिकेशन और ME 15x, ठीक है। ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो सबसे पहले हमें टोटल मैग्नीफिकेशन देखना होगा। टोटल मैग्नीफिकेशन, इसको हम M लिख लेते हैं। टोटल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पर इमेज साइज जो है 1.8 सेंटीमीटर है और एक्चुअल साइज जो सॉरी ऑब्जेक्ट साइज है वो है 20 माइक्रोमीटर। तो हमें यूनिट कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे, सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 20 माइक्रोन। तो ये दोनों माइक्रोन में हो गए। नेक्स्ट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैग्नीफिकेशन आ रहा है 900। टोटल मैग्नीफिकेशन 900 है। अब हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू MO इंटू ME, दैट इज मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं टोटल मैग्नीफिकेशन हमारे पास 900 है, ऑब्जेक्टिव का हमें पता करना है और ME जो है वो दिया हुआ है 15। तो MO विल बी 900 डिवाइडेड बाई 15,
तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 60. सो जो ऑब्जेक्टिव का जो जो मैग्नीफिकेशन है वो 60x है, और आप इसमें आंसर होगा बी. तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन पे, और मैग्नीफिकेशन बहुत इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप इजीली समझ सकते हैं. तो हम देखते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है. द रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन और कैमरा सिस्टम एज सेपरेट एंटिटीज. तो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, ये यहाँ पर लोअर रेजोल्यूशन की इमेज है और यहाँ पर हायर रेजोल्यूशन की. तो रेजोल्यूशन का मतलब है कि इस स्पेसिमेन में ये दो जो पॉइंट्स हैं इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक दूसरे से सेपरेट करके देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये यहाँ पर क्लियर सेपरेशन नहीं है, लेकिन इस इमेज में ये सेपरेशन एकदम क्लियर है. ठीक है, तो इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है. तो एक बार फिर से देखते हैं. द रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑब्जर्वर और कैमरा सिस्टम एज सेपरेट एंटिटीज. तो रेजोल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे. तो ये यहाँ पर एक और इमेज देखिए, इसमें आप इस इमेज में आप ज़्यादा रेजोल्यूशन देख सकते हैं. ठीक है, ये बाउंड्रीज आप क्लियरली देख पा रहे हैं. यहाँ पर देखिए ये ब्लर्ड है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रही है. एक और इमेज आपको दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हैं आप. यहाँ पर देखिए जो बाउंड्री का सेपरेशन है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर ये क्लियर है, ये बाउंड्रीज जो है वो क्लियर दिखाई दे रही हैं. तो ये रेजोल्यूशन है. ठीक है, ग्रेटर रेजोल्यूशन, लोअर रेजोल्यूशन. अब रेजोल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. रेजोल्यूशन का जो फार्मूला है, जो कि एबे इक्वेशन है, वो ये है. ठीक है, एबे ने जो इक्वेशन दी थी, और ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये मॉडिफाइड अर्नस्ट एबे इक्वेशन है. ठीक है, जो कि रेले क्राइटेरियन को यूज़ करने के बाद, जो कि जॉन डब्ल्यू स्ट्रक ने दिया था, इसको यूज़ करने के बाद जो फार्मूला निकल के आता है वो ये है. ठीक है, तो रेजोल्यूशन के बारे में तीसरा फार्मूला है. ठीक है, जिसमें ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फार्मूला है. तो ये तीनों फार्मूला रेजोल्यूशन को कैलकुलेट करने के काम में आते हैं, रिजॉल्विंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आते हैं. अब रेजोल्यूशन को थोड़ा सा हम बोर्ड पे समझते हैं. तो रेजोल्यूशन को एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं. रेजोल्यूशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. इसका मतलब यह है कि रिजॉल्विंग डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर होगा. ठीक है, ये क्वांटिटेटिव टर्म है, ये सब्जेक्टिव टर्म है. ठीक है, रिजॉल्विंग डिस्टेंस से ही हम रेजोल्यूशन पावर को मेजर करते हैं. तो यहाँ पर हम डी का इक्वेशन देख लेते हैं, 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन अल्फा. यहाँ जो डी है वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ये मॉडिफाइड एबे इक्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है. तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से कुछ रिलेशनशिप्स सामने निकल के आते हैं. वो क्या है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पहला इक्वेशन तो ये निकल के आया है. दूसरा रिलेशनशिप जो आ रहा है वो ये है, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल अपर्चर, क्योंकि इस क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकल अपर्चर लिख सकते हैं. तीसरा लिख सकते हैं, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और फोर्थ जो हम लिख सकते हैं, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा. ठीक है, और तो ये रिलेशनशिप हम यहाँ पर देख सकते हैं. तो इन रिलेशनशिप को ध्यान में रख के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं नेट एग्जाम्स में या और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपके सामने आता है. तो जैसे जैसे हम लैम्डा यानी वेवलेंथ का वैल्यू कम करेंगे, वैसे ही रिजॉल्विंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जैसे ही रिजॉल्विंग डिस्टेंस कम होगा रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा. इसी तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही डी का वैल्यू कम होता जाएगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और जैसे जैसे डी का वैल्यू कम होगा रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा. इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मीडियम का उतना ही कम रिजॉल्विंग डिस्टेंस होगी. इसी तरह से साइन अल्फा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा कब होगा, जब आपकी वर्किंग डिस्टेंस कम हो जाएगी, मीन्स लेंस जो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव के पास पहुंच जाएगा,
तो अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो जो रिजोल्यूशन डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, रिजोल्यूशन डिस्टेंस कम होगी तो रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा। तो इन रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपके वीडियो में जो दिखाया हुआ है। तो आपने देखा कि रिजोल्यूशन में जो यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं वो एक तो है ये लैम्डा, जिसको कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट किस तरह से रेजोल्यूशन को अफेक्ट कर सकता है वो मैंने आपको एक बार पहले भी लेक्चर 3 में बताया था, उसको मैं अभी दोबारा बताऊंगा। और दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह से जो ये देखें किस तरह से जो वेवलेंथ है वो जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे रिजोल्विंग डिस्टेंस भी कम होती जाती है, कहने का मतलब रिजोल्यूशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो 0.1 नैनोमीटर तक का रिजोल्यूशन हमें दे सकते हैं, और जो विजिबल लाइट है वो 200 नैनोमीटर तक का रिजोल्यूशन हमें दे सकती है। तो इस तरह से वेवलेंथ कम होने पर विजिबल रेज में भी आप देख रहे हो 400 से 700 नैनोमीटर तक हैं, तो अगर आप 400 वाली यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा रिजोल्यूशन मिल सकता है, रेड लाइट यूज़ करोगे तो आपको रिजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिजोल्विंग डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कम होने पर और कम हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर भी आप एक जो कि मैंने माइक्रोस्कोपी यू वेबसाइट से लिया है, ठीक है, इसमें भी आपको दिखा रखा है कि वेवलेंथ जिस तरह से कम हो रही है, ये देखिए नीचे से ऊपर तक कम हो रही है, तो आपकी जो रिजोल्विंग डिस्टेंस है वो भी कम हो रही है, कहने का मतलब रिजोल्यूशन पावर, ये रिजोल्विंग पावर जो है वो बढ़ रहा है। तो वेवलेंथ कम होने पर रिजोल्विंग पावर बढ़ता है, और ये आप उस फॉर्मूला से भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो दो फर्स्ट क्वांटिटी जो रिजोल्यूशन को अफेक्ट करी है वो वेवलेंथ, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू गैदर लाइट एंड रिजोल्व फाइन स्पेसिमेन डिटेल एट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो इसकी लेंस की लाइट गैदरिंग कैपेसिटी और इसकी रिजोल्व करने कैपेसिटी को हम न्यूमेरिकल अपर्चर नाम देते हैं। वैसे एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, एन ए इज इक्वल टू एन साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एन क्या है। एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में ये लाइट पास हो रही है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये एन है। दूसरा साइन अल्फा, अल्फा क्या है? देखिए अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, नीचे से लाइट आ रही है और एक कोन ऑफ लाइट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस लाइट डाल रहे हैं तो एक कोन ऑफ लाइट बन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें ये कोन ऑफ लाइट एंटर कर रहा है। इस कोन ऑफ लाइट के अगर बीच में आप एक लाइन खींचो इस तरह से और ये एंगल देखो, तो ये जो एंगल है ये अल्फा होता है, ठीक है। तो ये जो एंगुलर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, टोटल एंगल, ठीक है, उसका हाफ जो है वो अल्फा होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया एन इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फा इज़ दिस हाफ ऑफ दिस एंगल। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अल्फा 7 डिग्री होगा तो न्यूमेरिकल अपर्चर 12 होगा, इसी तरह से अगर अल्फा 20 डिग्री होगा तो न्यूमेरिकल अपर्चर 0.34 होगा, अल्फा 60 डिग्री होगा तो 0.87 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल अपर्चर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। ये फार्मूला जो है एबे ने ही दिया था, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अपर्चर को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ जो मैंने माइक्रोस्कोपी यू वेबसाइट से लिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू, ये थीटा का जो वैल्यू है, ये किस तरह से बढ़ता है। अगर आप न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाओगे या इन्वर्सली या वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एयर ही लिया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एंगल है, ठीक है, जो पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसके नीचे आप लेके जाओगे तो पहली बात तो ये डैमेज हो सकता है स्पेसिमेन, ठीक है, आपका लेंस डैमेज हो सकता है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हम अचीव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। और ये जो डिस्टेंस है, अब ये भी देखो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस कम होती जाती है, जैसे जैसे ये अल्फा थीटा या अल्फा जो भी इसको हम कहें
ये जो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है ये डिस्टेंस कम होती जाती है, इसको बोलते हैं वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है। और वर्किंग डिस्टेंस कम हो रही है तो इस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, और इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर को हम समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि न्यूमेरिकल अपर्चर का रेजोल्यूशन में क्या असर होता है। देखिए यहाँ पर आप न्यूमेरिकल अपर्चर का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह से रेजोल्यूशन का भी वैल्यू बढ़ रहा है। मीन्स रिजॉल्विंग जो डिस्टेंस है वो वैल्यू कम हो रही है, बट रिजॉल्विंग पावर बढ़ रही है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं, प्लान एक्रोमेट, प्लान एपोक्रोमेट, ये कलर और मीन्स ये एब्रेशन करेक्टेड लेंसेज हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन हम अचीव कर पाते हैं वो है 0.20 माइक्रोन्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल अपर्चर यहाँ देख रहे हो, मैक्सिमम अपन जो अचीव कर सकते हैं एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वो ये है। तो फॉर्मूला से भी आपने देखा और इस टेबल से भी आप देख रहे हो जो कि मैंने अगेन माइक्रोस्कोपी यू से ही ली है, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू बढ़ने से रिजॉल्विंग डिस्टेंस और कम हो जाती है। और इमेज रेजोल्यूशन को और क्लियरली आप देख सकते हो इस वीडियो में। जैसे जैसे न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ रहा है, ठीक है, स्लाइडर से न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे यहाँ पर रेजोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आप देखो, ये देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर 1 हो गया है, 1 से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये जो आपको यहाँ पर शेप्स दिख रही हैं ये और आपको क्लियर और सेपरेटेड दिख रही हैं जो, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर, मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर 1.30 करें तो इस तरह से रेजोल्यूशन हो जाता है, और अगर सबसे कम रहे तो इतना रेजोल्यूशन रहता है। अब ये शेप क्या है, ये शेप जो है इसको हम बोलते हैं एरी डिस्क, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में रेजोल्यूशन मैंने आपको डिफ्रैक्शन के बारे में बताया है, तो ये डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन की वजह से एरी डिस्क बनती है। जब भी लाइट किसी बहुत सर्कुलर अपर्चर से पास होती है तो इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। और इस एरी डिस्क के ऊपर जो रिसर्च किया था वो जॉन डब्ल्यू स्ट्रट ने किया था, और उन्होंने ही रेले क्राइटेरियन वो लेकर आए थे। तो रेले क्राइटेरियन के बाद ही हम रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है वो यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर बस आपको एरी डिस्क को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो जब न्यूमेरिकल अपर्चर हम बढ़ा देते हैं तो क्लियरली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल अपर्चर और इमेज रेजोल्यूशन को क्लियरली समझ सकते हैं। रेजोल्यूशन को वेवलेंथ और न्यूमेरिकल अपर्चर के अलावा भी कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ स्पेसिमेन। तो आप देख रहे हैं अगर स्पेसिमेन स्टेन्ड है या अनस्टेन्ड है तो रेजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा। स्पेसिमेन में पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स नहीं हैं, तो इस तरह से रेजोल्यूशन में स्पेसिमेन के टाइप का भी फ़र्क पड़ता है। कोहरेंस ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन कितना अच्छा है, कितना अच्छा इल्यूमिनेशन है, उससे भी रेजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। एब्रेशन करेक्टेड है या नहीं, अभी आपने देखा था कि एक्रोमेटिक और एपोक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव में जो जो रिजोल्विंग डिस्टेंस आ रही थी वो अलग अलग आ रही थी, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट रेजोल्यूशन हम अचीव कर पा रहे थे एपोक्रोमेटिक लेंस में, तो डिग्री ऑफ एब्रेशन करेक्शन से भी हम रेजोल्यूशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कंट्रास्ट एनहेंसिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, जैसे फेज कॉन्ट्रास्ट है, फ्लोरोसेंस है, इस तरह की फिनोमिनन को यूज़ करके भी आप रेजोल्यूशन को एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या रिलेशनशिप है। देखो, मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने 4 इमेज दिखा रखी हैं, ये 100x पे है, ये 200x पे है, ये 400x पे है, ये 1000x पे है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो हमें इसे मैग्नीफाई करना पड़ा। अब मैग्नीफाई करने के लिए आप देखो, इसको अगर मैं बिना रिजोल्यूशन बढ़ाए मैग्नीफाई करता हूँ तो क्या होता है, ये देखो, मैंने बिना रिजोल्यूशन बढ़ाए मैग्नीफाई किया तो ये कंडीशन हो जाती है। आपको आप क्लियरली मेकआउट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, ये सेल है या कोई डेब्रिज है, आप ये बता ही नहीं सकते। तो बिना रिजोल्यूशन के मैग्नीफिकेशन का ये हाल है। यहाँ पर देखो, आपने थोड़ा में आपने रेजोल्यूशन बढ़ाया, ठीक है, 200x आपने इसको मैग्नीफाई किया तो बेटर डिटेल्स अवेलेबल है। 400x में आप और अच्छे डिटेल दे सकते हो, और 100x में जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर सबसे ज़्यादा है, 100x ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया है तो यहाँ का न्यूमेरिकल अपर्चर सबसे ज़्यादा है, तो रेजोल्यूशन ये सेम, एक तो इस इमेज को देखो और एक इस इमेज को देखो, यू कैन क्लियरली सी कि कितना चेंज आ गया है क्लैरिटी में।
तो मैग्नीफिकेशन होना काफ़ी नहीं है, आप इसको जूम करके मैग्नीफाई कर तो दोगे बट इसकी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। डिटेल्स मिलने के लिए आपको रेजोल्यूशन को बढ़ाना ही होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाना ही होगा। तो ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज आप यूज़ करते हो माइक्रोस्कोपी में, लाइक 10x, 20x, 40x, 60x, 100x, बेसिकली उसमें आप न्यूमेरिकल अपर्चर इम्प्रूव कर रहे हो, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ा रहे हो। वेवलेंथ लाइट तो वही यूज़ कर रहे हो, तो बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर, और इस वजह से आप उसको फर्दर मैग्नीफिकेशन के साथ आप उसका रिजोल्यूशन भी इम्प्रूव कर देते हो, और आप ज़्यादा क्वालिटी इमेजेस, ज़्यादा डिटेल्स आप स्पेसिमेन के देख सकते हो। तो ये रिलेशनशिप है मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन में। तो हमने अभी तक बात की रिजोल्यूशन पे, मैग्नीफिकेशन पे, ठीक है। बट जो तीसरी क्वांटिटी है जो कि माइक्रो इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, वो है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट उससे पहले हम देखते हैं रिजोल्यूशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि नेट पे पूछे गए हैं। तो इस न्यूमेरिकल को मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टू अचीव अ बेस्ट रेजोल्यूशन यूजिंग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल बाय विच लाइट एंटर्स इनटू द माइक्रोस्कोप वुड बी बेस्ट चॉइस फॉर द यूज़र। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें क्या चाहिए। बेस्ट का मतलब है लैम्डा मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें जो एंगल है, यहाँ टू थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें थीटा निकालना होगा और वो भी मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। ये दो आपके पास शर्तें हैं। तीसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये आपको कहाँ से पता लगा, ये पता लगा हमें रिजॉल्विंग डिस्टेंस के फॉर्मूला से। थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला से आपको ये पता लगा कि डी, जब लैम्डा मिनिमम होगा तब डी भी मिनिमम होगा, दैट मीन्स रिजोल्यूशन आपको अच्छा मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डी कम होगा, अच्छा रिजोल्यूशन है। साइन थीटा जो है वो जितना कम, जितना ज़्यादा होगा उतना ही डी कम होगा और हमारा रिजोल्यूशन अच्छा हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अब ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पर मिनिमम लैम्डा कितनी है, 405, ठीक है। तो ऑप्शन टू एंड थ्री जो है वो एलिमिनेट हो गए, तो अब आंसर वन और फोर में ही आपको चूज़ करना है। अब आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वन में 1.33 है तो वो नहीं होगा, इसलिए आपका आपको फोर्थ आंसर फोर जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर और वन का सबसे ज़्यादा है, एक का क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए ये एलिमिनेट कर देते हैं, तो आंसर इज फोर। थीटा का आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर इज फोर। इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसे जैसे हम वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली डी कम हो जाएगा और रेजोल्यूशन बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंक्रीज अगर कर देंगे वेवलेंथ को तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। इस तरह से यूज़ ऑयल विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है क्योंकि ऑयल जब हम यूज़ करेंगे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो बढ़ जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और डी जो है यूज़ ऑयल विद ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें यूज़ में लेंगे तो रिजोल्यूशन पावर कम हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर डी और बी पॉसिबल नहीं है, ए एंड सी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी बहुत इजी है, इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो 1.4 फिक्स है, ठीक है। तो जो एक चीज़ बची जो इक्वेशन में, वो सिंपल आपका वेवलेंथ है। तो बेस्ट रिजोल्यूशन अचीव करने के लिए मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पर दे रखी है 450, तो आंसर इज़ 1।